10 साल से कम उम्र की कन्याओं के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हैं, उनके लिए ये योजना बेहतरीन कदम साबित हो सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत कोई भी बच्ची 9 साल की होने पर उसके परिवार के द्वारा उसका खाता खोला जा सकता है और खाता खोलने के दिन से 15 साल तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं। यानी 9 साल की बच्ची जब 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल होने पर उसका खाता मैच्योर हो जाएगा और उस खाते में जमा रकम पर ब्याज भी मिलेगा। बच्ची की उम्र 18 से 21 साल होने पर अगर शादी करनी है तो 6.5 लाख रुपए शादी के लिए सरकार देगी। वो कर्ज नहीं होगा बल्कि बेटी की शादी के लिए होगा। और अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो आधा पैसा 50% राशि पढ़ाई के लिए भी निकाल सकती है। इस योजना के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बेटी की पूरी जिम्मेदारी और उसके उज्जवल भविष्य की चिंता अब सरकार की होती है। भारत सरकार ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारा दिया है, उसका चरितार्थ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। और हमको लगता है कि लाखों लोग परिवार इससे का लाभ उठा रहे हैं। सुकन्या योजना है जिसके तहत आप भारत सरकार को बधाई देते हुए और लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका परिवार उससे लाभान्वित हो। Keep watching पर्यावरण पोस्ट।